Hello, good evening all of you. Welcome to the Scholars Mantra. This is free classes for the preparation of TGT, PGT, upcoming post. आप लोगों का स्वागत है Scholars Mantra में. And जो आज की क्लास है उसका जो purpose है वो यही है, जितने भी हमारे physical education में competitive exams होते हैं, physical education में TGT को लेकर, PGT को लेकर, तो उसके regarding students को proper information and proper material और proper guidance provide करना. तो यहाँ पर जो हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हमारा जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग वी विल टेक 2 months क्लासेस. तो 2 महीने की क्लासेस होने वाली हैं. तो 2 महीने की क्लासेस में जो क्लासेस होंगी वो वीकली होंगी, और वीक में 3 बार क्लासेस होंगी. और इन क्लासेस के अकॉर्डिंग ट्यूसडे और थर्सडे एंड फ्राइडे को क्लासेस होंगी. ट्यूसडे और थर्सडे को एमसीक्यूज प्रैक्टिस की जाएगी, और फ्राइडे को जो भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस की जाएगी उसके रिगार्डिंग डिटेल्ड जो भी इंफॉर्मेशन होगी या फिर जो एक्सप्लेनेशन होगी उसके रिगार्डिंग, एमसीक्यूज के रिगार्डिंग, वो वहां पे तैयारी की जाएगी. दैट मींस ऑन फ्राइडे वी विल स्टडी अबाउट द थ्योरी, एंड ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे वी विल स्टडी अबाउट द एमसीक्यूज. ओके, सो 6:30 बज चुके हैं. थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो जाती है क्लासेस में, बट कोई बात नहीं. ऑल सेट, आई होप आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी. एक बार मुझे बता दीजिए कि आप सब लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है. ऑल सेट सब लोगों का? अगर आवाज क्लियर आ रही है फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी रखना पड़ेगा. बिकॉज एकदम से अगर मैं आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराना शुरू कर दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे दैट वेयर वी आर गोइंग, हमारा डायरेक्शन किस तरीके से. तो यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले, मैं क्लासेस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो सिलेबस है वो किस तरीके से हम लोग कवर करने वाले हैं. अभी ऑनलाइन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑनलाइन में जो सिलेबस अवेलेबल है इस टाइम पे, टीजीटी पीजीटी के लिए अलग सिलेबस है, और ये जो उत्तर प्रदेश का एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए अलग सिलेबस है ना. तो जो सिलेबस है, अलग अलग सिलेबस को अगर आप मिला के देखेंगे तो ऑलमोस्ट निष्कर्ष जिसको बोलते हैं इवैल्यूएशन, वो सारा एक ही निकलता है. तो चाहे टीजीटी की प्रैक्टिस कर लो, चाहे पीजीटी की प्रैक्टिस कर लो, किसी भी स्टेट की, किसी भी एग्जामिनेशन की, चाहे वो कोई टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, तो जो रिजल्ट निकलेगा वो यही निकल रहा है कि यहाँ पर जो सिलेबस है आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा. दैट मीन्स हम किसी चीज को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अभी रिसेंटली डीटा प्लस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो जिस हिसाब से उनका सिलेबस है उसके बाहर से भी चीजें पूछी जाती हैं. ओके, अगर हम लोग डीटा प्लस के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में रिसर्च के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, बट रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स के भी पिछली बार पीजीटी में क्वेश्चन आए थे. तो दैट मीन्स इससे समझ में आता है कि हमें रिसर्च को भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस यहाँ पे करना पड़ेगा. तो इसके रिगार्डिंग पहले मैं आपको यही समझा दूं कि सिलेबस जो है वो हम किस तरीके से यहाँ पे कवर करने वाले हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सिलेबस है जिसको हम लोग ने टायर 2 का नाम दिया, बिकॉज जो पेपर होता है वो टायर 1 और टायर 2 में होता है. टायर 1 और टायर 1 जो होता है वो बेसिकली पेपर 1 होता है, और पेपर 1 में आपका आता है जनरल प्रिपरेशन, राइट, जनरल प्रिपरेशन. अब उसकी हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे, उसके रिगार्डिंग में अलग एक वीडियो बना दूंगी, है ना. तो वो वाली जो बातें हैं वो हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे. आज जो बात हम लोग करने वाले हैं वो बेसिकली फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, जो कि टायर 2 में आता है. अब जैसे मैं आपको बताया था कि पार्ट ए की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो पार्ट ए में ये चीजें आती है, लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन. तो ये आप लोगों ने पढ़ा भी है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द फिजिकल एजुकेशन. अब इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं, अगर यहाँ पे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ द फिजिकल एजुकेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये सब कुछ दिया हुआ है, स्कोप दिया हुआ है, और इंपॉर्टेंस वगैरह बताई हुई है, और एजुकेशन प्रोसेस में इसका क्या क्या एडवांटेज है उसके बारे में बताया. बट क्या इतना सही है? नो. अब इसी में आप और भी चीजें ऐड कर दीजिए, फिलोसफी. ओके, तो इंट्रोडक्शन में जो हिस्ट्री एंड फिलोसफी है वो भी एड हो जाती है. तो यहाँ पर ये जो सिलेबस इतना सा दिया हुआ कि एक्चुअली में इतना नहीं है, ये सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, ठीक ना. तो यहाँ पे हमें फिलोसफी पे भी फोकस रखना पड़ेगा, और जो हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री भी आपकी 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, एक इंडियन हिस्ट्री और दूसरी फॉरेन हिस्ट्री. और अगर फॉरेन की हम लोग बात करें तो आपको पता ही है फिजिकल एजुकेशन में ग्रीस, जर्मनी और स्वीडन, अमेरिका, ये सारी चीजें, ये सारी कंट्रीज में फिजिकल एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है.
तो वो सारी चीजें भी हमें यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, दैट मीन्स हिस्ट्री भी कवर करनी पड़ेगी. ओके, अब इसमें और भी काफी सारी चीजें आ जाती है, जैसे बॉडी टाइप है ना, बॉडी टाइप इसी में हम लोग पढ़ेंगे. तो आप ये चीज समझ पा रहे हैं कि इस सिलेबस में जो चीजें हिडन है उसके ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा. अब नंबर टू की बात कर रहे हैं फिजियोलॉजी की, राइट? तो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द फिजिकल एजुकेशन इफेक्ट ऑन द एक्सरसाइज, दैट मींस मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. तो बेसिकली इन्होंने सिस्टम्स के ऊपर बात किया कि पूरी फिजियोलॉजी में केवल सिस्टम्स की ही पूछी जाएगी. लेकिन क्या केवल सिस्टम्स के बारे में ही पूछा जाएगा? नहीं, बेसिकली यहाँ पर हर उस फिजियोलॉजी की बात की जाएगी. अगर मसल्स की बात की जा रही है तो यहाँ पे मसल्स रिलेटेड कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट की बात भी यहाँ पे की जाएगी. तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है. नंबर थ्री इज साइकोलॉजी. साइकोलॉजी फिजिकल एजुकेशन का, या फिर आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, चाहे आप एग्जाम ले लीजिए DSSSB, ओके, चाहे आप एग्जाम ले लीजिए NBS, KVS, या फिर आप एग्जाम ले लीजिए NET, ओके, सब में बहुत अच्छे से साइकोलॉजी के बारे में पूछा जाता है. बिकॉज साइकोलॉजी एक तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ओके, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं. अगर मोटिवेशन की बात करें, लीडरशिप की बात करें, जो कि सिलेबस में दिया ही नहीं हुआ है, ओके, लीडरशिप की बात करें तो वो सारे स्टेप्स यहाँ पे बन जाते हैं ना. तो दैट मीन्स आपको जो ये सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी इस टाइम पे ऑनलाइन आपको आराम से मिल जाएगा. ऑनलाइन अवेलेबल है ये सिलेबस DSSSB के लिए, और NBS और KVS के रिगार्डिंग यही सिलेबस यूज किया जाता है. बट मैं आपको ये बताने की कोशिश करूं कि जो सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है ये सफिशियंट नहीं है. जो जो चीजें यहाँ पे नहीं दी हुई हैं हमें उसे भी कवर करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि एग्जामिनेशन को अगर आप देखेंगे तो काफी चीजें ऐसी आई हुई है जो कि सिलेबस में दी ही नहीं हुई है. उसके बाद नेक्स्ट इज द फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, इसको हम लोग, और ये फोर्थ और फिफ्थ को हम लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में हम लोग स्टडी होता है यही चीज यहाँ पर भी कवर कर रहे हैं. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस बढ़ जाता है. डिफरेंस बिटवीन फिजिकल फिटनेस, वेलनेस और अवेयरनेस, एरोबिक एक्टिविटीज, एनरोबिक एक्टिविटीज, रिदमिक एक्टिविटीज, मोड्स ऑफ ट्रेनिंग जिसको कहा जाता है, दैट मीन्स कैलिस्थेनिक्स और प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं. वार्मिंग अप कैसे किया जाता है, लिम्बरिंग डाउन जिसको कूल डाउन कहा जाता है, कूल डाउन वो कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं. मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग भी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग, पार्टलेक मेथड एंड स्पीड डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी चीजें की जाती हैं. तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक टॉपिक बन जाता है जिसमें अभी भी काफी चीजें ऐसी है जो कि हिडन है, राइट? उसको भी आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि और कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इसमें नहीं दी हुई हैं और आ सकती हैं. यहाँ पे इस चीज को ढूंढने के दो तरीके हैं. एक, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उसको अच्छे से पढ़ लो, एनालाइज कर लो. तो अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालाइज अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो भी क्वेश्चंस किस हिसाब से वहां पे पूछे हुए हैं, तो उससे आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि ये तो यहाँ पे पूछा है लेकिन इस सिलेबस में तो दिया ही नहीं है. तो आप इसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे अगले एग्जामिनेशन के लिए, राइट? तो डेवलपमेंट है, एक्सेलरेशन, रन, स्पेस, तो इस तरीके से इसमें एग्जामिनेशन में सिलेबस में दिया हुआ है. सिक्स्थ है सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स. अब सोशियोलॉजी को हम साइकोलॉजी के साथ ही स्टडी करते हैं, ओके? तो सोशियोलॉजी को ज्यादा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, तो हम इसको साइकोलॉजी के एस्पेक्ट से ही स्टडी कर लेते हैं. इसका कोई ज्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है, और एग्जाम में एग्जामिनेशन में भी अगर आते हैं तो 2 से 3 ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आते सोशियोलॉजी में. नेक्स्ट आता है पार्ट बी. नाउ दिस इज वेरी डेंजरस एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये एक तो स्कोरिंग बहुत होता है, ओके, बट ये बहुत ज्यादा है, लाइक अ लार्ज अमाउंट है, बहुत ज्यादा है इसमें पढ़ने के लिए. आप खुद सोचिए कितने सारे स्पोर्ट्स हैं. अब सब स्पोर्ट्स का आपको रूल्स भी याद करने पड़ेंगे, आपको टर्मिनोलॉजीज भी याद करनी पड़ेंगी, उसके ग्राउंड के मेजरमेंट्स भी आपको यहाँ पे याद करने पड़ रहे हैं, फंडामेंटल स्किल्स के बारे में भी याद करना पड़ रहा है, और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज, वेन्यूज, टूर्नामेंट, स्पोर्ट्स अवार्ड्स. तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है. बट हाँ, ये है कि अगर आप TGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप TGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये पार्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा. क्योंकि ये मान लीजिए कि 30-35% जो है वो इसी में से ही आने वाला है. अगर आप जो भी मैं आपको यहाँ पे चीजें बता रही हूँ अगर आप उससे एग्री कर रहे हैं
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने रिप्लाईज दे सकते हैं कि मैम यस वी आर एग्री विद यू एंड वी आर विद यू, कि मुझे लगना चाहिए भाई आप लोग भी यहाँ पर हैं कि नहीं है, अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही अकेले यहाँ पे बोले जा रही हूँ. ओके, तो आप लोग अगर एग्री हैं इन सब चीजों से और आपको लगता है कि हाँ ये सारी चीजें सही हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ तो भी लिख सकते हैं, मैम हेलो मैम गुड इवनिंग मैम, ताकि मुझे लगे कि आप लोग भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं. ओके, तो ये तो पार्ट बी उनके लिए बहुत जरूरी है जो टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं. ओके, सो अगर हम लोग बात करें पीजीटी के लिए, तो पीजीटी के लिए पार्ट वन जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया है अभी, वो भी इम्पोर्टेंट है, और ये वाला पार्ट सी, पार्ट ए इम्पोर्टेंट है, पार्ट सी इम्पोर्टेंट, क्योंकि पीजीटी लेवल के लिए बहुत डिटेल में चीजें पूछी जाती है, लाइक वहां पे थ्योरी बेस्ड ज्यादा होता है, थ्योरी. ओके, तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हो जाए, चाहे हेल्थ एजुकेशन हो जाए, चाहे इंट्रोडक्शन हो जाए, काफी कुछ वहां से पूछा जाता है. ओके, सो पार्ट सी इज बेसिकली रिलेटेड विद द हेल्थ एजुकेशन ओनली, एंड हेल्थ एजुकेशन में बहुत सारी चीजें हैं. तो बेसिकली यहाँ पे जो पहला है उसमें तो इंट्रोडक्शन की ही बात की जा रही है, हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, उन सब की ही बात की जा रही है. नंबर टू इज द कम्युनिकेबल डिसीजेस. नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि कम्युनिकेबल डिसीजेस में जो भी जितनी भी डिसीजेस आती है, और उनमें से भी काफी सारी कॉमन है जो कि हर साल ही आती है. हेपेटाइटिस हर साल आता है, ए बी सी डी ई जो भी है उनमें से, मतलब एक ना एक के बारे में हर साल पूछा जाता है. तो कुछ कुछ ऐसी डिसीजेज है जिसके बारे में हर बार पूछते हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बन जाता है. इसके प्रिकॉशंस, इसके कॉजेज, ये सारी चीजें भी यहाँ पे पढ़नी है हमें. नेक्स्ट कंटेम्प्ररी हेल्थ प्रॉब्लम्स, टोबैको रिलेटेड, एल्कोहल रिलेटेड, ड्रग्स रिलेटेड, इफेक्ट कैसा होता है इन सारी चीजों का स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज के ऊपर, ओबेसिटी के बारे में और हेल्थ इंडिविजुअल के बारे में, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे कवर करने के लिए, राइट. नेक्स्ट इज दी हेल्थफुल लिविंग, किस तरीके से हम लोग हेल्दी रह सकते हैं. तो दैट मीन्स यहाँ पे एनवायरमेंट की भी बात की जा रही है. किसकी बात की जा रही है? एनवायरमेंट की बात की जा रही है, कि अच्छा एनवायरमेंट अगर होगा, दैट मीन्स ये एब्सेंस ऑफ द हैजार्ड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट्स, स्कूल में कैसा होना चाहिए, वर्क प्लेस पे कैसा होना चाहिए. यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा कि अगर टीजीटी और पीजीटी रिलेटेड बात की जा रही है, तो आप लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पे स्कूल बेस्ड और टीचर बेस्ड ही क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं. ओके, बट अगर इफ आई टॉक अबाउट द यूजीसी नेट, तो यूजीसी नेट के लिए ये टॉपिक आपके लिए ज्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज वहां पे इतना सिंपली बातें वहां पे नहीं पूछी जाती. ओके, तो इसको तो हम काट देते हैं, बिकॉज दीज क्लासेस आर नॉट फॉर यूजीसी नेट, दीज क्लासेस आर फॉर टीजीटी एंड पीजीटी. तो उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें, तो ये टॉपिक आपके लिए, जो बेसिक टॉपिक आपको यहाँ पे लग रहे हैं, मान लीजिए कि इनमें से ही ज्यादातर पूछा जाता है और इनमें से ही आपको ज्यादा प्रिपरेशन करनी है. दीज आर जनरल क्वेश्चन, ये जनरल क्वेश्चन है, इसके आंसर आप यू ही भी दे सकते हैं. ओके, चलिए. Now next is the family health education, के health education for the family, and next is the prevention of first aid and common sports injuries. Sports injuries or sports injury के prevention and इसके cure, okay? Rehabilitation process, massage process जो कि नहीं दिया हुआ है, वो सब भी हमें यहाँ पे cover करना पड़ेगा. तो ये तो हो गया वो syllabus जो DSSSB के लिए, NBS और KVS के लिए दिया हुआ है online, okay? बट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं यूपी का जो एग्जाम आने वाला है, ओके, तो उसका सिलेबस अगर आप लोगों को मिला होगा, दैट सिलेबस इज वेरी ऑथेंटिक फॉर द पीजीटी एंड टीजीटी प्रिपरेशन. वो सिलेबस अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, वैसे तो हिंदी में सिलेबस था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंग्लिश ट्रांसलेशन करके यहाँ पे आपके सामने लेकर आई हूँ. तो यहाँ पे अगर आपको ये सिलेबस देखेंगे थोड़ा सा, तो ये सिलेबस प्रॉपर सिलेबस है एक टीजीटी और पीजीटी लेवल के हिसाब से. यूनिट वन में अगर देखेंगे तो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ओलंपिक्स के बारे में भी मिल जाएगा, फिलोसफीज के बारे में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. हो सकता है कि आपको वीडियो में क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, ये सिलेबस की बात जो हो रही है, ये सिलेबस आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा, और जो भी मेरे ग्रुप में मेंबर्स ऐड हैं वो ये सिलेबस वहां पे दे सकते, क्योंकि इसकी जो सिलेबस की पीडीएफ है वो मैं अपने ग्रुप में देने वाली हूँ. और पीडीएफ का जो ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द यूनिट टू. यूनिट टू में भी यही सारी चीजें हैं. तो बेसिकली ये जो दो सिलेबस हैं आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएंगे. नंबर वन इज जो सिलेबस DSSSB के लिए दिया हुआ है, और दूसरा सिलेबस
ये वाला दिया हुआ है जो उत्तर प्रदेश में जो एग्जाम आने को था, अभी दोबारा आएगा, आएगा तो है ना, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर है। तो ये सारे एग्जामिनेशन के जो सिलेबस है वो आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगे। तो अगर ग्रुप में ऐड होना तो आप लोग उस ग्रुप में लिंक दिया हुआ है वहां से आप ऐड हो जाइएगा, ठीक है। अब जो हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात करने वाले हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये चीजें पता होना कि हमें टारगेट क्या रखना है, क्योंकि जब तक आपको आपका टारगेट पता नहीं होगा ना, आप चीजों को आगे नहीं कवर कर पाएंगे। ओके, तो कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें पीजीटी का एग्जाम अलग होता है और टीजीटी का एग्जाम अलग होता है, मेल के लिए अलग होता है और फीमेल के लिए अलग होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग डी ट्रिपल एस बी की बात करें तो डी ट्रिपल एस बी में मेल का और फीमेल का एग्जाम अलग होता है, बट अगर हम लोग बात करें केवीएस की और एनवीएस की तो वहां पे एग्जाम एक ही होता है और कट ऑफ भी उसी के हिसाब से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पीजीटी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जनरल कैटेगरी के लिए जो प्रीवियस ईयर की हम लोग यहाँ पे बात करें उसके अकॉर्डिंग जो स्कोर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो दिस इज फॉर जनरल बट फीमेल एंड दिस इज फॉर मेल फॉर जनरल कैटेगरी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग टारगेट चूज कर रहे हैं तो टारगेट शुड बी ऑलवेज हाई। टारगेट कैसा होना चाहिए? हाई टारगेट होना चाहिए, क्योंकि हल्का टारगेट रखोगे तो क्या अचीव हो पाएगा? कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, ओके। और ये चांस ऐसा है, मतलब ये मान लो कि आज के टाइम पे इंडिया में इफ वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट जॉब्स है ही नहीं, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो निकल ही नहीं रही है, राइट। उसमें भी अगर फिजिकल एजुकेशन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो और भी कम हो जाती है, और भी कम हो जाती है, है ना। तो एक मौका आपको मिलता है और उस मौके को अगर आपने थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया, चाहे सिलेबस की प्रॉब्लम हो, चाहे आपके पास मटेरियल ना हो, स्टडी मटेरियल ना हो, चाहे आपके पास एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी ज्यादा अच्छी से ना हो पाई, जो भी प्रॉब्लम आपकी रह गई, बट आपको एग्जाम तो मिस हो गया ना। एग्जाम मिस होना मतलब एक अपॉर्चुनिटी खराब होना, और एक अपॉर्चुनिटी खराब होने का मतलब होता है टाइम खराब होना, टाइम खराब होना, टाइम खराब होता है एक्चुअली। और टाइम के साथ साथ जो उस साल अपॉर्चुनिटीज आने वाली थी वो भी नहीं मिल पाती है, राइट। तो ये सारी चीजें ना हो जाए इसलिए बहुत जरूरी कि आपको आपका टारगेट फिक्स करना है, और टारगेट फिक्स करने के बाद आपको ये देखना है कि आपको कम से कम कितने मार्क्स चाहिए। तो ये जो मार्क्स है ये डी ट्रिपल एस बी के एग्जामिनेशन के हिसाब से जो पिछली बार हुआ था 2018 में। बाकी अब अगर हम लोग बात करें यूपी के एग्जाम की, तो यूपी का एग्जाम तो कितने सालों से नहीं हुआ, तो उसका अगर इवैल्यूएशन निकाल के देखेंगे तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा, तो उसका अंदाजा हम लोग नहीं यहाँ पे लगा सकते। एनवीएस और केवीएस और डी ट्रिपल एस बी का अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है ये हर साल होते हैं, रेगुलर बेसिस पे होते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका जो टारगेट है वो इतना होना चाहिए एटलीस्ट, ओके, अगर आप प्रॉपर तरीके से एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो, ओके। और यहीं पे अगर हम लोग एक और एग्जाम होता है पीईटी का, तो बेसिकली तीन टाइप के एग्जाम्स होते हैं। एक होता है टीजीटी, टीजीटी का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। और पीजीटी जो होता है इसकी फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ओके, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो ये दो तरीके के एग्जाम होते हैं। टीजीटी का जो एग्जाम होता है वो बेसिकली बीपीएड लेवल का होता है, बीपीएड मतलब अगर आप की बीपीएड हो गई तो यू आर एलिजिबल, एंड पीजीटी के लिए एमपीएड रिक्वायर्ड होता है ना, ओके। और एक और तीसरा एग्जाम होता है पीईटी के लिए, थर्ड वन, ओके। तो ये बेसिकली टीजीटी से भी नीचे लेवल का होता है, ओके, पीईटी जो एग्जाम होता है। पीटी का जो एग्जाम होता है उसके जो स्कोरिंग होता है वो बहुत ही कम होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखें, जनरल के लिए पिछली बार इतना था, ओबीसी के लिए इतना था, एससी के लिए इतना था और एसटी के लिए इतना था। बट ये चीज ध्यान रखना हमेशा कि ये वाली चीजें आपको देखनी ही नहीं है, क्योंकि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, डजंट मैटर, आपका टारगेट तो एक ही होगा ना, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई एससी के लिए अलग टारगेट रहेगा, बीसी के लिए अलग टारगेट रहेगा, वाई, नो, कोई जरूरत ही नहीं है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी को हो, आपका टारगेट एक होना चाहिए, और टारगेट हमेशा हाईएस्ट होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप टारगेट देख सकते हैं। तो बेसिकली मेरा आपको ये बताने का मतलब है कि जो भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेवल चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, या फिर पीईटी का हो, उस लेवल के एग्जामिनेशन का जो डेटा है वो थोड़ा सा देखिएगा कि पिछली बार की जो कट ऑफ है वो कितनी जा चुकी है, उसके हिसाब से आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे उसके लेवल के हिसाब से। और अगर पिछली बार 77 थी ना, तो याद रखना इस बार
2% ज्यादा ही आएगी, क्योंकि लेवल बहुत हाई हो चुका है लोगों का, स्टूडेंट्स का, सब लोग, एक तो जनरेशन इंक्रीज हो चुकी है, लोग बढ़ चुके हैं, दूसरा लोगों में जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो भी इंक्रीज हो चुका है. ओके, तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कट ऑफ इंक्रीज ही होगी. ओके, तो ये तो हो गई कट ऑफ की बात, ये तो हो गई आपके टारगेट की बात. नाउ अब बात आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, राइट? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो कि आपको खास ध्यान रखने हैं एग्जामिनेशन के पर्पस के रिगार्डिंग. डोंट फॉरगेट टू स्टडी पेपर वन. ये बहुत बड़ी एक मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए. अब अगर हम लोग अगर यूपी के एग्जामिनेशन की बात करें तो यूपी के एग्जाम में पेपर वन है ही नहीं. यूपी का जो एग्जाम होगा इन फ्यूचर, आई होप कि हो ही जाए, क्योंकि हम सब बहुत वेट कर रहे हैं. मैं भी यूपी से बिलोंग करती हूँ, और जहां तक मुझे याद है कि मेरे टाइम पर आज तक उस टाइप की जॉब्स नहीं निकली है ना, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए, चाहे कितने भी ऑल ओवर इंडिया की बात करें. तो यूपी के एग्जामिनेशन में एक हमारे पास एडवांटेज है कि पेपर वन है ही नहीं भाई. ओके, बट अगर हम लोग डी ट्रिपल एस बी की बात करें, एनबीएस केवीएस की बात, क्योंकि हर साल आते हैं, जो कि अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हर साल होती है, उसमें पेपर वन होता है. तो डोंट फॉरगेट टू स्टडी पेपर वन, क्योंकि इसी से आपको ज्यादा स्कोर मिलता है ना. तो ऑफ कोर्स पेपर टू काफी लोगों का अच्छा हो ही जाता है, क्योंकि हम अगर उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो हम उसको निकाल लेते हैं, बट पेपर वन में हम रह जाते हैं. तो मैं यही बोलूंगी आपसे कि पेपर टू से कई ज्यादा फोकस पेपर वन के ऊपर रखिए आप. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी. एक प्लानिंग तो मैंने आपको बता दी कि आपका टारगेट आप फिक्स कर लो, उसके बाद एक दिन में कितना आवर्स है आपके पास पढ़ने के लिए, उन आवर्स में से भी आप कितने टाइम तक अपने आप को दे रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं. दो टाइप की स्टडी होती है, एक इन क्लास और एक आउट क्लास, है ना. दैट मीन्स एक क्लास के अंदर होती है, एक क्लास के बाहर होती है. मेरी भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो जो ऑनलाइन क्लासेस में जो स्टडी मैं करवाती हूँ, तो सपोज करिए अगर 2 आवर्स की क्लास है, ओके, तो 2 आवर्स की क्लास में जो भी स्टडी हो रही है तो उसको आप काउंट मत करना, बिकॉज वो आपकी अलग प्रैक्टिस है. आप क्लास के बाहर जितनी भी आपकी प्रैक्टिस हो रही है और क्लास के बाहर जितना भी आप स्टडी कर रहे हो, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से आपको स्कोर मिलने वाला है. अंडरस्टैंडिंग की क्लासेस को हटा दो, वो कोई काम की नहीं आने वाली, आर्ट्स बेकार है वो वाले, ठीक है. तो जो आपके आर्ट्स हैं जिसमें आप खुद सीख रहे हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा आर्ट्स को कैप्चर कर पाओ और ज्यादा स्टडी कर पाओ. उसके लिए आपको प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी. प्लानिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे से लिंक हो जाए, कुछ अगर पूछना चाहते हैं, तो आप लोग भी उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं. वहां पर आप मेरे से डायरेक्टली कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. ओके, तो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी भी के ऊपर भी आपको खास फोकस रखना पड़ेगा. स्टडी एवरी डे, रोज पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर्स आफ्टर ऑल. क्योंकि कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो आपको सक्सेस एनी हाउ प्रोवाइड करेगी ही करेगी. बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होता, बट उनको पता है भाई अगली बार एग्जाम दोबारा आएगा, तो वो दोबारा ट्राई करते हैं, फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं. ओके, तो ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कंसिस्टेंसी आप रखेंगे तो चीजें ईजी हो जाएंगी, और धीरे धीरे आपका एग्जाम एक दिन तो जरूरी क्लियर हो जाएगा, अगर आप ट्राई कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से. फाइंड योर स्ट्रॉन्ग एंड सब्जेक्ट्स एंड वीक सब्जेक्ट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम लोग बात करें फिजिकल एजुकेशन की, तो फिजिकल एजुकेशन में कितने सारे सब्जेक्ट्स हम लोग स्टडी करते हैं. ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ द फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ द फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, साइकोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, ये सारी स्टडीज हम लोग यहाँ पे करते हैं. अब आपको ढूंढना है कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है और आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपको मिल गया तो उसको आपको और ऊपर लेके जाना है और स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि उसमें से अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत ना हो, कटे ना. और जो वीक सब्जेक्ट्स हैं, जो आपको लगता है कि मुझे पढ़ना पसंद ही नहीं है, रिसर्च की बात कर लें. मैंने आपको बताया था कि अभी एग्जामिनेशन में रिसर्च भी आती है, और जो यूपी का एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें तो रिसर्च है ना. तो रिसर्च तो आपको पढ़नी पड़ेगी, चाहे आपको पसंद हो चाहे ना पसंद हो. बट अगर रिसर्च आपको बिल्कुल पसंद नहीं है तो उसको थोड़ा सा तो ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, एटलीस्ट उतना पढ़ लो जो पिछली बार के क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जामिनेशन में, है ना. तो उस हिसाब से जो वीक सब्जेक्ट्स उसको और ऊपर लेके जाएंगे, और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, ताकि एक मार्क्स भी ना कटे. इस तरीके की प्रिपरेशन करोगे तो बहुत अच्छा एक स्ट्रेटेजी तैयार होती है, बहुत अच्छी प्लानिंग तैयार होती है एग्जामिनेशन के लिए, राइट.
फाइंड योर फॉल्ट्स. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी गलतियां ढूंढनी है, क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियों के ऊपर काम नहीं करोगे, इफ यू डोंट वर्क ऑन योर फॉल्ट्स, देन नो डेवलपमेंट विल टेक प्लेस. ओके, डेवलपमेंट नहीं होगी. फॉल्ट्स जब तक रिड्यूस होना शुरू नहीं होंगी, जो फॉल्ट्स का जो ग्राफ है, जब तक रिड्यूस होना शुरू नहीं होगा तब तक चीजें डेवलप नहीं होंगी. तो इसका पता कैसे चलेगा? ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस. तो इसका पता ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस की थ्रू चलेगा आपको, है ना. तो जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे आप, उतनी ज्यादा आपको आपकी मिस्टेक्स समझ में आना शुरू हो जाएंगे, है ना. डिटर्मिनेशन. लक्ष्य बना लो कि मुझे चाहिए ही चाहिए. अगर यूपी का एग्जाम आने वाला है और अगर मैं यूपी से बिलोंग करते हूँ या करता हूँ, तो मुझे लेना ही लेना एग्जामिनेशन इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए. आपको पता है आपका टारगेट क्या है, आपको पता है कि आपको कहाँ से स्टडी करना है, आपको पता है कि क्या सिलेबस है, सब कुछ पता है, तो फिर मिस्टेक्स कहाँ हो जाती है. डिटर्मिनेशन रखो, हर चीज को प्रॉपर तरीके से करो, क्योंकि ये सारी चीजों के ऊपर ही आपका सक्सेस और एग्जामिनेशन टिका हुआ है. हमारा क्या, हमारी एक मिस्टेक होती है कि हम लोग केवल स्टडी 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 ही करते रहते हैं. ये गलत तरीका है स्टडी करने का, क्योंकि आज के टाइम पे लोग स्मार्ट वर्क के ऊपर फोकस रखते हैं. और स्मार्ट वर्क का मतलब हो गया कि आपका एनर्जी कम लगे और आउटपुट ज्यादा निकले. अगर प्लानिंग के साथ करोगे तो हर एक चीज कितनी ईजी हो जाती है ना. तो दैट्स वाई दीज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज द स्टडी. डिटर्मिनेशन एंड द मोटिवेशन. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका मोटिवेशन क्या है चीजों को लेकर. कुछ लोगों को स्टडी करना बहुत पसंद होता है, तो उनके लिए चीजें कितनी आसान हो जाती हैं, उनका एग्जामिनेशन भी जल्दी से क्रैक हो जाता है. व्हाई? बिकॉज उनका जो मोटिवेशन है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, कि उनको अंदर से स्टडी करना पसंद है. कुछ लोग जबरदस्ती स्टडी करते हैं. आज तक तो कभी पढ़े नहीं, बीपी निकल गया, बीपीएड निकल गया, और फिर एमपीएड में थोड़ा सा सीरियस हुए कि चलो ठीक है थोड़ा पढ़ लेते हैं यार, पढ़ना क्योंकि सभी लोग पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ लेते हैं. तो भी एमपीएड में थोड़ा सा सीरियस हुए, है ना. उसके बाद अब जब इस टाइम पे है तो लगता है यार जॉब नहीं है, अब जॉब के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा. तो अगर ये आपका मोटिवेशन है तो थोड़ी सी चीजें डिफिकल्ट हो जाएंगी. तो मैं यही बोलूंगी कि ट्राई कि आपको स्टडी से प्यार ही हो जाए, है ना. तो ट्राई करो. तो प्यार तो किसी भी चीजों से हो सकता है, तो अगर पढ़ाई से हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना. तो यहाँ पर स्टडी को एक मोटिवेशन बनाइए ताकि ज्यादा इजी आपकी चीजें हो सके. तो ये तो था एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें आपको समझ में आया कि सिलेबस क्या है. और सिलेबस का पीडीएफ आपको हमारे ग्रुप में मिल ही जाएगा, लिंक में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा. दूसरा कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जामिनेशन के पर्पस को लेकर, वो यहाँ पर करना बहुत जरूरी है. अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस की, क्योंकि मैंने बताया था आज ट्यूजडे है और आज से हमारा एमसीक्यूज प्रैक्टिस स्टार्ट होती है. बट थोड़ा सा स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बताना भी जरूरी है, अदरवाइज डायरेक्शन समझ में नहीं आएगा. क्योंकि विदाउट प्लानिंग, विदाउट जो चीजें हैं उसके बिना चीजें इजी नहीं होती ना. ओके, चलिए हम लोग यहाँ पे अब कर लेते हैं थोड़ी सी एमसीक्यूज प्रैक्टिस. तो हम लोग जो बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं वो इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट कर रहे हैं, जो पहली यूनिट है. ओके, अच्छा यार ये तो बता दो आप लोग यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है या फिर हेलो गुड इवनिंग कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल ब्लैंक. वाई सो सीरियस, इतने सीरियस क्यों भाई. ओके चलिए चलिए. तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट वन के क्वेश्चंस की एमसीक्यूज प्रैक्टिस, और इसके रिगार्डिंग जो भी एक्सप्लेनेशन है वो मैं दूंगी फ्राइडे को, थ्योरी का. ठीक है, मैं अभी ही बता देती हूँ कि जो फ्राइडे है, फ्राइडे को अभी यहाँ पर आप जो फ्राइडे है, फ्राइडे को मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ फिलोसफीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, है ना, फिलोसफीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन. और फिलोसफीज में कौन कौन सी, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये सारी फिलोसफीज को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी. ओके, तो और एक और चीज है बॉडी टाइप्स. तो फिलोसफीज एंड बॉडी टाइप्स आपको मैं जो समझाऊंगी वो फ्राइडे को है, बाकी उसके एमसीक्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं. चलिए ओके, चलिए आप लोग अगर मुझे जवाब देंगे यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर वन आप लोगों के लिए ही है. आप लोगों के जो आंसर्स हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन का क्या आंसर होगा. नंबर वन इज सेइंग फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन्फेसिस सिचुएशन दे
that are, okay? That means जो pragmatism, जो philosophy है, उसका जो main emphasis है, जो main focus है, वो इनमें से किस चीज के ऊपर? Number one is absolute, number two is fixed, number C is experienced, and number D is non-realistic. क्या लगता है आपको? क्या होगा इसका answer? Absolute, fixed, experienced and non-realistic. तो इसका जो आंसर अगर हम लोग चेक करें, तो सपोज करो अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है, ओके, तो ये है तो हमें कंफ्यूजन यहाँ पे रहती है. तो अब देखो कि अगर हम लोग प्रैग्मेटिज्म की बात करें, अभी प्रैग्मेटिज्म को एक्सपेरिमेंट के साथ रिलेट किया जाता है. अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो प्रैग्मेटिज्म में एक्सपेरिमेंटेशन किया जाता है. दैट मींस ये जो फिलोसफी है ये इस चीज के ऊपर रिलेट करती है कि फिजिकल एजुकेशन में या फिर किसी भी चीज में जो चीज प्रूफ हो सकती है, जो चीज का एविडेंस है हमारे पास, वही सच्चाई है और वही रियलिटी है ना. तो अब अनरियलिस्टिक तो हो नहीं सकती क्योंकि जो चीज प्रैग्मेटिज्म में है वो रियल है. तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता. सबसे पहले उसको हटाओ जो हो ही नहीं सकता. तो यहाँ पर ये तो नहीं हो सकता, राइट? तो यहाँ पे एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और एक्सपीरियंस की हम लोग बात कर रहे हैं. तो फिक्स्ड की अगर हम लोग बात करें तो ये थोड़ा सा फिक्स्ड हो सकता है. और एब्सोल्यूट का मतलब होता है होल, मतलब प्रॉपर, ओके, प्रॉपर और कैन से होल, है ना. प्रैग्मेटिज्म बेसिकली फिलोसफी की ही तो बात कर रहा है. तो अगर ये फिलोसफी की बात कर रहा है तो यहाँ पर फिक्स्ड तो चीजें हो ही नहीं सकती ना. बिकॉज अगर फिलोसफी की हम लोग बात बताएं तो फिलोसफी इज इंडक्टिव इन नेचर. एंड इंडक्टिव का मतलब क्या होता है? कि जो चीज सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाए या फिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाए या फिर स्टार्टिंग से एंड की तरफ जाए, है ना. एक ये भी इसका मतलब हो सकता है और दूसरा इसका मतलब हो सकता है फ्रॉम सिंगल पॉइंट से होल की तरफ जाए, है ना. तो उसको इंडक्टिव कहा जाता है. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फिलोसफी का मतलब ही होता है कि एक छोटे से थॉट से आप एक बहुत एक थ्योरी तैयार कर रहे हैं, एक डेवलपमेंट तैयार कर रहे हैं यहाँ पे. तो ये फिक्स तो हो ही नहीं सकता. अब बचा एब्सोल्यूट और एक्सपीरियंस्ड. तो जो एक्सपेरिमेंटेशन है, जो फिलोसफी है, वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक्सपीरियंस्ड के ऊपर ही रिलेट करती है. तो एक्सपीरियंस्ड इज द करेक्ट आंसर, ओके. क्योंकि अगर एविडेंस की बात करें तो फिलोसफी में एक्सपीरियंस्ड होंगी चीजें, तभी उसको ज्यादा एविडेंस वहां पे प्रोवाइड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाईएस्ट एम ऑफ आइडियलिज्म इज टू सीक. तो अगर हाईएस्ट एम की बात करें तो हाईएस्ट एम जो आइडियलिज्म का है वो ट्रुथ है, पीस एंड ट्रुथ है, बी है सही आंसर, या फिर सी है सही आंसर, या फिर डी है सही आंसर. तो यहां पर जो इसका सही आंसर है वो है बी, ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, ओके. तो ये तीनों सही आंसर है. क्योंकि अगर हम लोग आइडियलिज्म की बात करें, आइडियलिज्म का जो फिलोसफी है वो डायरेक्टली रिलेट करता है एक्सियोलॉजी के साथ, ओके. तो जो आइडियलिज्म है वो एक्सियोलॉजी के साथ रिलेट करता है. और व्हाट इज द एक्सियोलॉजी? एक्सियोलॉजी है ब्रांच ऑफ फिलोसफी. क्या है ये? ये फिलोसफी की ब्रांच है. और जो किस चीज को बताती है? इट स्टडी द वैल्यूज. क्या है ये? स्टडी ऑफ द वैल्यूज. तो ये किस चीज की है? ये एक्सियोलॉजी क्या बताती है? स्टडी बताती है वैल्यूज की, ओके. तो यहां पर अगर वैल्यूज की बात करें तो ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस रिलेट करता है, है ना. जब तक आपके अंदर गुडनेस नहीं होगी, जब तक आपके अंदर ब्यूटी नहीं होगी, ट्रुथ नहीं होगा, तो यहां पर इसका चीजें, मतलब ये जो इसका जो रिलेशनशिप है वो इसी के साथ है ना. तो एक्सियोलॉजी और आइडियलिज्म जो रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्ड किया है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है बी, truth, beauty and goodness, okay. Now next jo question hai, that question is 3, okay. Savan, Varsha, Bubbly, Vishal, Anuradha, Pankaj, Samya,
नाइस टू हैव यू ऑल हेयर एंड आई विश कि आप लोगों को ये चीजें जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जरूर हेल्प मिले. ओके इस क्वेश्चंस की पीपीटी भी मैं अपने ग्रुप में ही सेंड करूंगी, तो आई होप कि आप सब लोग वहां पे ज्वाइन होंगे, है ना. तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ, जॉन ड्यू प्रोपाउंडेड द फिलोसफी ऑफ. प्रोपाउंडेड का मतलब होता है इंट्रोड्यूस्ड. ओके दैट मीन्स यस यस बिल्कुल सही है, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं. जॉन ड्यू ने जो इंट्रोड्यूस की थी फिलोसफी वो कौन सी है, राइट. बिल्कुल सही है डी, बिल्कुल सही है. तो द करेक्ट आंसर इज डी, प्रैग्मेटिज्म. बिल्कुल सही है, डी इज द करेक्ट आंसर. आप बिल्कुल निखिल, वर्षा, बबली, अंकुर, हरमन, वेरी नाइस सुजीत, ओके बिल्कुल सही. तो इसका सही आंसर है डी. अच्छा एक चीज याद रखना कि जब भी आप लोग ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि आपको अपनी मिस्टेक्स पे ध्यान देना है. अब सपोज करिए अगर किसी ने यहाँ पे इनमें से ए बी सी में से कोई भी आंसर टिक कर दिया तो वो उनकी मिस्टेक है, राइट. वो उनके ड्रॉबैक्स, उनके पिटफॉल्स हैं, उनको उसको ओवरकम करना है. अब या तो आपने आंसर हड़बड़ी में दे दिया, उसको एंजाइटी बोल सकते हैं, हरीनेस, ठीक है ना. हरीनेस बहुत खतरनाक है, जल्दबाजी में कोई आंसर मत दो, थोड़ा सा देखो सोचो. ओके ये नहीं होनी चाहिए. ओके दूसरा स्पीड. अब हरीनेस भी नहीं होनी चाहिए तो स्पीड स्लो भी नहीं होनी चाहिए. तो अगर आपकी स्पीड की प्रॉब्लम, स्पीड ज्यादा होना भी खराब है, स्पीड कम होना भी खराब है, तो आप लोग देखिए कि आपने किस वजह से, या फिर आपको थ्योरी में प्रॉब्लम है, दैट मींस जो आपने पढ़ा था वो गलत था, कहां से मिस्टेक हुई है, वो आपको यहाँ पे ढूंढना बहुत जरूरी है. तो अगर आपने अपनी अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम किया तो धीरे धीरे आप अपनी मिस्टेक्स को ओवरकम कर पाएंगे. तो इसका सही आंसर है प्रैग्मेटिज्म, बिल्कुल सही है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. फिलोसफी ऑफ नेचुरलिज्म वॉज एक्सपाउंडेड बाय. ओके तो प्रोपाउंडेड का मतलब होता है produced or can say promoted, or expounded का मतलब होता है developed. Okay, तो naturalism जो philosophy है वो किसने develop की है, तो John Dew, ये Rizzo, René Descartes and Arnold Toynbee. तो आपका जो answer है यहाँ पर बिल्कुल सही है. तो सभी लोग यहाँ पे एग्री हैं, बी से, एवरीवन इज एग्री विद बी. ओके चलिए निखिल, सत्विक, संजना, अनुराधा, शिवम शर्मा, साम्या, शिवा शर्मा, ओके दैट मींस ऑल आर एग्री विद दिस ना, राइट. तो चलो मैं भी यहाँ पे, मुझे भी पता है इसका आंसर बी है, सभी को पता है इसका आंसर बी है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है. बट जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए वो ये है, इन्होंने फिर क्या दिया था. अगर नेचुरलिज्म इन्होंने दी थी फिर इन्होंने क्या दिया था, फिर इन्होंने क्या दिया था, दैट मीन्स हमें इनके बारे में तो पता है, बट जब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के टाइम पे आपको सारे ऑप्शंस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है. तो अगर हम लोगों ने इसका आंसर दिया तो इसके बारे में हमें पता है जॉन ड्यू का है प्रैग्मेटिज्म. ओके इन्होंने तो प्रैग्मेटिज्म दिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर. ओके इनका हो गया रिजो, उसके बाद रेने डिस्कार्ट्स एंड आर्नोल्ड, ये कौन है, इन्होंने क्या किया है. तो अभी तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर इसका जो रेने डिस्कार्ट्स है, रेने डिस्कार्ट्स इज अ फ्रेंच फिलोसोफर. तो ये एक फ्रेंच फिलोसोफर है, फ्रेंच फिलोसोफर, और इनको मॉडर्न फिलोसोफर भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है, मॉडर्न फिलोसोफर. ओके और इनका अगर योगदान की बात करें, इनका अगर इन्वॉल्वमेंट की बात करें, तो इनका इन्वॉल्वमेंट है एलजेब्रा में एंड मैथमेटिक्स में. ओके तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ गई कि भाई इसका रिलेशन तो इसके साथ हो ही नहीं सकता, बट आपको मुझे लाइक मैक्सिमम लोग होंगे जिनको शायद रेने डिस्कार्ट्स के बारे में पता है, बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको शायद इनके बारे में नहीं पता है. तो जब भी आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते हैं तो ट्राई टू फाइंड ऑल द हिडन पॉइंट्स जिनके बारे में आपको नहीं पता है. तो रेने डिस्कार्ट्स के बारे में आपको समझ में आ गया कि ये फ्रेंच फिलोसोफर है और इनको मॉडर्न फिलोसोफर भी कहा जाता है. नाउ व्हाट अबाउट आर्नोल्ड टॉइनबी. तो आर्नोल्ड टॉइनबी एक हिस्टोरिकल फिलोसोफर है. ओके तो इनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो हिस्ट्री के बारे में है, और ये इंग्लिश मैन है जो कि न्यूयॉर्क में ये
पैदा हुए है ना, बर्थ इनका न्यूयॉर्क है इंग्लैंड, ओके सॉरी ये इंग्लिश है, इंग्लिश मैन है। तो इस तरीके से इनके बारे में भी आपको यहाँ पे बात करनी है और अंडरस्टैंड करना है हर एक पॉइंट को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोरेन कीगार्ड इज नोन एज टू बी द फादर ऑफ, तो इनके बारे में अगर आपको पता है सोरेन कीगार्ड, तो इन्होंने ये किसके साथ रिलेट करते हैं, आइडियलिज्म के साथ रिलेट करते हैं, रियलिज्म के साथ रिलेट करते हैं, एक्सिस्टेंशियलिज्म के साथ रिलेट करते हैं, या फिर प्रैग्मेटिज्म के साथ रिलेट करते हैं। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो सकता है, कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। एंड बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यस यस यस, इसका आंसर है सी, बिल्कुल सही आंसर है इसका, एक्सिस्टेंशियलिज्म। तो अंकुश सिंह, अंकुश सर आपने सबसे पहला सबसे जल्दी आंसर दिया है आपको, बिल्कुल सही है सी, ऑल आर बिल्कुल, ऑल आर एग्री विथ सी, बिंदु, अंकुर, बीनू, सामिया, बिल्कुल सही है आप, है ना। तो आपको चारों के बारे में समझ में आ गया है, आइडियलिज्म के जो भी अभी शायद क्वेश्चन में आ ही जाए, रियलिज्म के और प्रैग्मेटिज्म के, तो ऑफकोर्स जॉन ड्यू है ही, जॉन ड्यू है ना, जॉन ड्यू इस तरीके से, ओके तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म है, ओके बाकी जैसे मैं आपको बताया कि बाकी के बारे में अगर आपको आइडियलिज्म का पता है तो बहुत अच्छी बात है, रियलिज्म का पता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो यू हैव टू फाइंड आउट कि इनके रियल जो फिलोसोफर है वो कौन है। नाउ नेक्स्ट इज दी एरिस्टोटल डिस्कार्ड्स सेंट थॉमस एक्विनास, किम्नियस, विलियम जेम्स एक्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट्स ऑफ, दैट मीन्स ये जो मेंबर्स हैं, जो फिलोसोफर्स हैं, वो इन ऑप्शंस में से किसके साथ रिलेट करते हैं, प्रैग्मेटिज्म के साथ, नेचुरलिज्म के साथ, रियलिज्म के साथ, या फिर आइडियलिज्म के साथ, किसके साथ रिलेट कर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है, क्योंकि देखो अगर आपको इनमें से किसी के बारे में नहीं पता तो एटलीस्ट इनके बारे में तो पता है ना, एरिस्टोटल के बारे में तो आपको पता है, राइट। तो इसका जो सही आंसर है वो बिल्कुल सही है आप, अनूप, दीपिका, अंकुर, इसका सही आंसर है रियलिज्म, तो बिल्कुल सही है इसका सही आंसर। अच्छा डी नहीं है रवि, रवि डी नहीं है, इसका सही आंसर रियलिज्म है, क्योंकि हमें आइडियलिज्म में और रियलिज्म में काफी कंफ्यूजन होती है, ओके तो एरिस्टोटल इज फॉर रियलिज्म एंड प्लेटो, प्लेटो इज फॉर आइडियलिज्म, ठीक है। तो इसका सही आंसर सौरभ दास, कुमारी, रजनी, बिल्कुल सही है, रवि सिंह, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, नाउ नेक्स्ट इज द ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो इज रिफर टू द फादर ऑफ, अच्छा इसका तो मैंने दे ही दिया, ओके तो इसका सही आंसर क्या है, द ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो इज रिफर टू द फादर ऑफ दी ऑफकोर्स आइडियलिज्म, एक मैंने आंसर भी दे दिया है और ईजी है, सभी को पता है। तो हमें रियलिज्म के बारे में भी समझ में आ गया, प्रैग्मेटिज्म के बारे में भी समझ में आ गया, आइडियलिज्म के बारे में भी समझ में आ गया, और नेचुरलिज्म, मतलब सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए यहाँ पे, सारे फिलोसोफर्स के बारे में हमें यहाँ पे क्लियर, यस सादिक, शिवा, अनुराधा, बिल्कुल सही है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, रीजो इज द फादर ऑफ, ओके तो जो रीजो है, रीजो किसके फादर है, मतलब रीजो ने कौन से फिलोसफी को प्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस किया और डेवलप किया, राइट। तो इसका जो सही आंसर है, देखो आइडियलिज्म तो हो नहीं सकता क्योंकि आइडियलिज्म के हैं प्लेटो, इतना क्लियर है, रियलिज्म भी नहीं हो सकता, रियलिज्म के हैं एरिस्टोटल, प्रैग्मेटिज्म के हैं डिव्यू, तो फिर बचा कौन, नेचुरलिज्म, तो ये रीजो जो है वो किसके हैं, नेचुरलिज्म के हैं, बिंदु, अनुराधा, प्रियंका, बिल्कुल सही है, ऑल आर एग्री। अच्छा सी कौन बोल रहा है, मिनाकेतन साहू, सी नहीं है क्योंकि प्रैग्मेटिज्म के अभी हमने क्लियर किया कि जॉन ड्यू है, ओके और जो इसका सही आंसर है वो है नेचुरलिज्म, बिल्कुल सही है आप लोग, बिल्कुल सही है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नाइन्थ क्वेश्चन, फिजिकल एजुकेशन, अभी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, फिजिकल एजुकेशन इज द फेस ऑफ द होल फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट डील विद बिग मसल्स एक्टिविटी एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्सेज, ये जो बात बोली है ये किसने बोली है, ऑथर के बारे में पूछा हुआ है, ये विलियम ने पूछा है, जेबी नेश ने पूछा है, आर कैसीडी ने पूछा है, या फिर जेएफ थॉमस ने इस बात को कहा है। तो एक चीज आपको यहां से समझ में आ रही है, एक चीज आपको यहां से समझ में आ रही है कि आप लोगों के लिए डेफिनेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को सिलेबस के बारे में बता दिया, सिलेबस में आप लोगों को डेफिनेशंस के ऊपर भी बहुत फोकस रखना है, क्योंकि अगर टीजीटी की बात करें या फिर पीजीटी की बात करें, डेफिनेशंस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 3 से 4
क्वेश्चंस तो डेफिनेशन रिलेटेड ही आते हैं और इस तरीके से पूछे जाते हैं. तो जिन लोगों ने भी इसका आंसर बी दिया है, बिल्कुल सही, रवि सिंह, दिग्विजय रवि, बिल्कुल सही, मिनिकेतन अब्राहम, कुमारी रानी, आप सब लोग सही है. इसका सही आंसर है जेबी नेश, बिल्कुल सही है रवि, दीपिका, बीना, इसका सही आंसर बी है. तो जेबी नेश ने ऐसा कहा है और ये बहुत कॉमन है, बहुत बार एग्जामिनेशन में ये पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन. ओके, नाउ नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है, दैट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रेचमर बॉडी क्लासिफिकेशन. अगर बॉडी क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है तो बॉडी टाइप की बात की जा रही है, तो एकदम से क्वेश्चन देख के क्या समझ में आता है ये क्वेश्चन किस टॉपिक में से लिया गया है. तो ये क्वेश्चन बॉडी टाइप के टॉपिक में से लिया गया है ना. तो बॉडी टाइप के क्वेश्चन में काफी सारे लोगों ने बॉडी टाइप्स को एक्सप्लेन किया. ओके, तो मैं यहाँ आपके लिए थोड़ा सा लिख देती हूँ. नंबर वन, सबसे पहले बॉडी टाइप्स जो एक्सप्लेन किया गया था, अगर आप लोग को लगता है तो आप लोग भी आंसर दे सकते हैं, रिप्लाई दे सकते हैं. बॉडी टाइप जो सबसे पहले एक्सप्लेन किया था वो किया था हिपोक्रेट्स ने. ओके, उसके बाद किया था उसने, गैलन ने इंट्रोड्यूस किया था. उसके बाद थर्ड क्रैचमर ने किया था, थर्ड क्रैचमर ने किया था. उसके बाद फोर्थ किया था शेल्डन ने, फोर्थ किया था शेल्डन ने. और जो फिफ्थ किया था शेल्डन के बाद एक और थे, मेरे दिमाग से निकल गया. शेल्डन के बाद एक और है जिन्होंने इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन किया था. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग पेंडिंग रख देते हैं, सॉरी फॉर दिस, मेरे दिमाग से निकल गया. बट अगर आप लोग मेरे से पूछेंगे तो मैं जरूर इसका आंसर अगली क्लास में दे दूंगी. ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि अगली क्लास में हम लोग फ्राइडे को इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना. तो एक्चुअली मैं आंसर्स, ऑफ कोर्स मुझे पता है आपको आंसर सभी लोगों को पता है, बिल्कुल सही अंकुर, आप सभी लोगों को इसके आंसर्स पता है. बट जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये बात है, ये सारी बातें भी पता होना बहुत जरूरी, किसने सबसे पहले दिया था, क्रैचमर के पहले कौन थे, क्रैचमर के बाद कौन थे. तो अगर क्रैचमर के बॉडी टाइप की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्रैचमर के बॉडी टाइप्स के अकॉर्डिंग डिसप्लास्टिक इन्होंने एक्सप्लेन किया था. तो क्रैचमर के जो बॉडी टाइप्स है वो मैं यहां नहीं बताऊंगी, मैं सारा एक्सप्लेनेशन करूंगी फ्राइडे को. तो आई होप, बिल्कुल सही है, आई होप कि आप सब लोग फ्राइडे को भी प्रेजेंट होंगे ताकि मैं थ्योरी बेस्ड वहां पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन वहां पे कर पाऊं. ओके, तो इसके जो सही आंसर है 10th का, इसका सही आंसर है यस यस. ओके ओके पंकज, थैंक्स फॉर दिस, ये पेंडिंग ना रखे हम काल जंग, थैंक्स फॉर दिस. वाओ, ये बहुत अच्छी बात है कि जब आप लोगों के रिप्लाईज आते हैं और इससे पता चलता है कि आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल की चल रही है. द आंसर इज काल जंग. ओके, तो उसके बाद काल जंग ने इसको बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया. ओके, तो ये इस तरीके से सही चीजें हो जाती हैं. नाउ नेक्स्ट इज दी अकॉर्डिंग टू द शेल्डन बॉडी इज क्लासिफाइड इनटू. तो मैंने आपको बताया कि क्रैचमर के बाद शेल्डन आए, तो शेल्डन ने बॉडी टाइप्स को किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया था. ओके, तो बेसिकली जिसका आंसर सही कौन सा होना चाहिए, ए बी सी या डी. यस हरमनजोत, मनीषा, पिकनिक, एस्थेटिक, अंकुर, बिल्कुल सही, डिसप्लास्टिक, सामिया. तो इसका सही आंसर है विदाउट एनी, हाँ यस सामिया, यस यस बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर है थ्री, कोई डाउट ही नहीं है इसमें. ठीक है, शेल्डन ने जो बॉडी टाइप को एक्सप्लेन किया था वो तीन बॉडी टाइप, यस रवि सिंह बिल्कुल सही है आप. ओके, तो इसका सही आंसर है थ्री, ये तो काफी इजी सा है, कोई इसमें डाउट ही नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज दी अकॉर्डिंग टू द जेपी थॉमस द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल एजुकेशन ऑल ट्रेनिंग शुड बी. तो जेपी थॉमस के अकॉर्डिंग ये एजुकेशन का या ऑल ट्रेनिंग का लास्ट रिजल्ट क्या होना चाहिए. ओके, यहाँ पे कोई कहीं पर भी तो फिजिकल एजुकेशन की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे केवल एजुकेशन की बात की जा रही है. ओके, ध्यान देना, यहाँ पे केवल एजुकेशन की बात की जा रही है, नॉट फिजिकल एजुकेशन. तो अगर एजुकेशन की बात की जा रही है तो एट द लास्ट रिजल्ट क्या होना चाहिए, मैन मेकिंग. लास्ट रिजल्ट क्या है, मैन मेकिंग रिजल्ट है इसका. ओके, अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन लिखा होता, क्योंकि हमें इस तरीके से भी देखना पड़ेगा, अगर इस तरीके से पिछली बार पूछा जा चुका है तो अब किस तरीके से पूछा जा सकता है वो भी प्रोबेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी. तो फिजिकल एजुकेशन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो फिजिकल एजुकेशन अगर यहाँ पे पूछा जाता तो इसका सही आंसर होता शायद ऑल अराउंड डेवलपमेंट, ऑल ओवर डेवलपमेंट इसका सही आंसर होता. ओके, इसको होलिस्टिक डेवलपमेंट भी कहा जाता है,
होलिस्टिक डेवलपमेंट. यस 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 बिल्कुल सही है, इसको होलिस्टिक डेवलपमेंट भी कहा जाता है. एक चीज और याद रखना, आप लोगों के लिए ऑल्टरनेटिव नेम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपने कुछ और पढ़ा है और एग्जाम में कुछ और तरीके से आ गया बट मीनिंग सेम है, तो भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ऑल्टरनेटिव नेम्स भी आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है, राइट? यस यस बिल्कुल सही. तो इसका आंसर बी होता अगर फिजिकल एजुकेशन लिखा होता, और अगर यहाँ पे लिखा होता फिजिकल, यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी, अगर यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी लिखा होता तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर फिजिकल एक्टिविटी के रिलेटेड पूछा होता तो इसका सही आंसर होता फिजिकल वेलबींग. ओके, तो किस तरीके से पूछा गया, तो यहाँ पे जेपी थॉमस के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है उसका जो लास्ट रिजल्ट होना चाहिए वो होना चाहिए मैन मेकिंग में. ओके, तो ये इसका सही आंसर है ना, तो इसका सही आंसर सही है. ओके बिंदु, थैंक यू सो मच फॉर दिस. सामिया, दीपिका, बिल्कुल सही है आप. तो सी इज द करेक्ट आंसर. एंड द क्वेश्चन नंबर 13, बॉडी माइंड रिलेशनशिप वॉज फर्स्ट प्रोमल्गेटेड बाय. अब देखो ये सारे जो भी आपको मिल रहे हैं ना, इनसे कंफ्यूज मत होना, कुछ लोग इनसे कंफ्यूज हो जाते हैं. इसका मतलब या तो होता है इंट्रोड्यूस्ड बाय, या तो होता है इन्वेंटेड बाय, या फिर होता है डेवलप्ड बाय. बस और कोई खास मतलब नहीं होता, ये जस्ट एक लिखने के लिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ज्यादा डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड्स लिखते हैं, मीनिंग सबका सेम ही रहता है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी और माइंड का रिलेशनशिप किसने बताया था पहली बार. ओके, तो अगर आप लोगों ने बी प्लेटो, प्लेटो ऑल आर एग्री विद दिस बी, बहुत अच्छा है कि एक तो मेरी क्लास पहली क्लास है तो मैंने सारे क्वेश्चन ना इजी रखे थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरी क्लास में किस टाइप के स्टूडेंट्स आने वाले हैं. तो मुझे लगता है कि अगली बार मुझे मेरी क्लास का लेवल बहुत हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे हैं मुझे आज. चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी लेवल की हो रही है. आई एम वेरी हैप्पी विद दिस. तो इसका जो सही आंसर, देखो जो आइडियलिज्म है, आइडियलिज्म अगर हम लोग फिलोसफी की बात करें तो आइडियलिज्म ने जो बताया था कि भाई जो भी चीजें होती है वो आइडियाज के ऊपर डिपेंड करती है, आइडियाज, एंड आइडियाज इज द माइंड. ओके, और जो आपका माइंड बोलता है वही आपकी बॉडी करती है, और उन दोनों में एक कनेक्शन है. तो ये कनेक्शन बताया था आइडियलिज्म ने, और आपको पता है कि आइडियलिज्म के जो फिलोसोफर हैं वो है प्लेटो. तो इसका सही आंसर बन जाता है प्लेटो. आप सब लोग बिल्कुल सही हैं, राइट? तो ये हो जाता है 13 क्वेश्चन क्लियर. नाउ 14 क्वेश्चन, इन पिकनिक बॉल टाइप, इन पिकनिक बॉडी टाइप, जो पिकनिक टाइप की बॉडी है, पहले तो ये देखो कि जो पिकनिक बॉडी टाइप है ये दिया किसने है. तो अभी ऊपर हम लोगों ने जज किया था कि पिकनिक बॉडी टाइप किसने दिया है, क्रैचमर ने दिया है. ओके, तो क्रैचमर ने दिया है. क्रैचमर का पूरा नाम है अर्नस्ट क्रैचमर, क्योंकि ये भी पता होना बहुत जरूरी है. ओके, इनका पूरा नाम है अर्नस्ट क्रैचमर. तो अंश क्रैचमर ने जो बॉडी टाइप दिया है उसका जो सही आंसर है, यहाँ पे देखो तीन टाइप्स के बॉडी टाइप्स हैं, एथनिक, एथलेटिक है ना, और पिकनिक. तो तीन टाइप के बॉडी टाइप्स है. तो जो पिकनिक वाला है ये आ जाता है एस्थेटिक, पिकनिक हो जाता है आपका. इसको रिलेट आप लोग कर सकते हो एंडोमोर्फ के साथ, है ना, इसको आप रिलेट कर सकते हो एंडोमोर्फ के साथ, और एस्थेटिक को रिलेट कर सकते हो आप एक्टोमोर्फ के साथ, और एथलेटिक को रिलेट कर सकते हो मीजोमोर्फ के साथ, क्योंकि आप लोगों को और इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हमें एक्टोमोर्फ, मीजोमोर्फ और एंडोमोर्फ ज्यादा अच्छे से याद होते हैं. ओके, तो एस्थेटिक रिलेट कर गया एक्टोमोर्फ के साथ, पिकनिक रिलेट कर गया एंडोमोर्फ के साथ, और जो एथलेटिक है रिलेट करके मीजोमोर्फ के साथ. अब यहाँ पे रिलेट करके देख लो, जो पिकनिक है वो किस तरीके का होगा, एंडोमोर्फिक टाइप का होगा. तो एंडोमोर्फिक टाइप का कैसा होगा, द लिम्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट. ओके, तो लिम्स कैसे होंगे, जो हाथ पैर जो होते हैं लिम्स कैसे होंगे, छोटे होंगे, और वो हाइट में कम होगा, छोटा होगा, है ना. तो इसका सही आंसर हो जाता है बी, बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो बी इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीजोमोर्फ. मीजोमोर्फ इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो जो मीजोमोर्फ है वो किस टाइप का होगा. तो मैंने अभी बताया कि मीजोमोर्फ मतलब एथलेटिक बॉडी. ओके,
तो मीन्स मोट क्या एथलेटिक बॉडी है, एथलेटिक बॉडी का मतलब पुअर डाइजेस्ट सिस्टम ही तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका डाइजेस्ट तो ऑफकोर्स अच्छा होगा. अब वेल डेवलप्ड बॉडी ये हो सकता है, स्मॉल फेस एंड शार्प नोज, ये थोड़ा सा एक्टोमोर्फ का टाइप का लग रहा है, एक्टोमोर्फ का टाइप का लग रहा है, ये भी नहीं हो सकता. लॉन्ग आर्म्स एंड लॉन्ग लेग्स, ये तो ये भी एक्टोमोर्फ का लग रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता. तो इसका सही आंसर है बी, बिल्कुल सही है आप लोग, बिल्कुल सही. अब्राहम, मिनिकेतन, प्रभात, बबली, दीपिका, शिल्पा, बिल्कुल सही है आप सब लोग. ओके चलिए नाउ नंबर 16. आज 20 क्वेश्चंस ही हम लोग क्लियर करेंगे और हमारा वक्त हो चुका है बिकॉज मेरी क्लास एक घंटे की ही है, बट कोई बात नहीं, हम फटाफट क्वेश्चंस करते हैं. एक्टोमोर्फ इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो मीजोमोर्फ का हमें समझ में आया, एथलेटिक टाइप की बॉडी. एक्टोमोर्फ की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, पतली टाइप की होती है, पतली पतली लंबी लंबी, है ना, तो मस्कुलर एंड एथलेटिक तो होगी नहीं, नो. अगर ये नहीं है तो ऑफकोर्स ये भी नहीं होगा. तो सबसे पहले उसे हटाओ जो हो ही नहीं सकता, ठीक है. तो अब या तो बी हो सकता है या तो सी हो सकता है. तो फ्लैबी और जो फैटी होती है, राइट, जो फ्लैबी और फैटी होती है इसको हम लोग एंडो के साथ रिलेट करते हैं, तो दैट मीन्स ये भी नहीं हो सकता. तो इसका सही आंसर है बी, बिल्कुल सही है आप लोग. ओके तो बेसिकली जो यहाँ पे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं वो आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से आते हैं, बट क्या नहीं आता है वो भी आज जाके पूरा कवर करना है. ओके तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 16. नाउ नेक्स्ट इज फिलोसफी डील्स विद, तो फिलोसफी किसके साथ डील करती है, टोन ऑफ विजडम, फंक्शन ऑफ द काइंड, सोशल बिहेवियर, सोशल ट्रेडिशन. ओके तो फिलोसफी में ट्रेडिशन जैसा कुछ नहीं है, तो ये तो हटा दो, ये तो हो नहीं सकता. ओके फंक्शंस ऑफ द काइंड ये भी नहीं सुना है, सोशलाइजेशन बिहेवियर है, बट अगर फिलोसफी की डेफिनेशन की बात करो, इट इज द स्टडी ऑफ, बिल्कुल सही है आप लोग, यस बिंदु. ये यहाँ पर जो फिलोसफी की क्लास है, फिलोसफी है ना, तो स्टडी ऑफ विजडम कहा जाता है, राइट, तो इट इज द स्टडी ऑफ द विजडम, बिल्कुल सही है. तो ये हो जाता है, बिल्कुल सही, ये हो जाता है ए, टोन ऑफ द विजडम. ओके ओके बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. चलिए नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 18. एगोज वॉज इन, ओके तो जो एगोज है, अब एगोज कहाँ पे था, देखो ये जो एगोज है, बिल्कुल सही, लव ऑफ विजडम, स्टडी ऑफ द विजडम, है ना, लव ऑफ द विजडम ज्यादा एक्यूरेट आंसर है. ओके चलिए नाउ नेक्स्ट इज द 18th, एगोज वॉज इन. अब ये एगोज जो है ये एक्चुअली पहले आपको पता होना चाहिए कि एगोज होता क्या है. नाउ एगोज इज द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम. ओके ये क्या था, एक एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था, जैसे आज के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम आपको पता ही है, आईसीएसई बोर्ड का अलग है, सीबीएसई बोर्ड का अलग है, उस टाइम पे एक ही एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था. और ये जो एजुकेशन सिस्टम है एगोज, वो कहां पे हुआ करता था, कहां से इंट्रोड्यूस हुआ था, ग्रीस में हुआ करता था. ग्रीस में आपने पढ़ा होगा स्पार्टा, तो बेसिकली ये स्पार्टा से शुरू हुआ था, फिर एथेंस में भी ये चला. तो स्पार्टा की बात करो चाहे एथेंस की बात करो, यहाँ पे एगोज यूज किया जाता था एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से. बट जब रोमन्स आए, रोमन्स में ये सारे सिस्टम को हटा दिया, उन्होंने बोला यार ये सब कुछ बकवास है, हटाओ, ये सब हमें पसंद नहीं है, ठीक है, तो इन्होंने ये हटा दिया. तो रोमन्स का इसका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, तो इसका सही आंसर है ग्रीस. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग इज करिकुलम कॉन्सेप्ट एमर्जेस फ्रॉम एंड एंटर इन टू. तो जो करिकुलम कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कहां से एमर्ज हुआ और किसके साथ रिलेट करता है, तो किसके साथ रिलेट करता है, थ्योरी के साथ, प्रैक्टिस के साथ, ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ, या फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के साथ. तो पहले उसको हटाओ जो आपको लगता है कि हो ही नहीं सकता. तो करिकुलम जो डेवलपमेंट है वो ऑफकोर्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप तो है ही नहीं ना, यहाँ पे हम लोग किसी इंटरपर्सनल जैसे आपस में कोई रिलेशनशिप की बात तो यहाँ पे नहीं कर रहे. ह्यूमन इंटरेक्शन, तो ह्यूमन इंटरेक्शन एक पार्ट हो सकता है बट करिकुलम कॉन्सेप्शन पूरा कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, तो ह्यूमन इंट्रैक्शन भी यहाँ पे नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है ना. तो इसका जो आंसर हो गया तो या तो थ्योरी है या फिर प्रैक्टिस है. करिकुलम को हम बी डू, मतलब इसको हम लोग करते हैं. ओके तो इसको क्या लिखना सही रहेगा, करिकुलम प्रैक्टिकल तरीके से किया जाता है ना, मतलब जो भी प्लानिंग की जाती है उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है. ओके तो ये जो करिकुलम है वो इट इज नॉट अ थ्योरी, ये थ्योरी नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसको यूज किया जाता है, और इसको यूज करने के लिए तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रैक्टिस. तो ये क्या होगा, तो करिकुलम कॉन्सेप्शन प्रैक्टिस में लिया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है. तो इस तरीके से आपका सही आंसर C
सी ओ जाएगा, याद रखना। इसमें से सही आंसर आपको पता है, अगर प्रैक्टिस अगर आपने कहीं पे रट्टा मारा हुआ है या फिर किसी और बुक्स में से पढ़ा है, तो ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि इस तरीके से आपकी पूरी प्रैक्टिस नहीं हो रही है। इस तरीके से भी आपको प्रिपेयर करना है कि अगर कोई मिस्टेक आपकी हो रही है तो क्यों हो रही है, उसको एलिमिनेट करो। दूसरा, जो बाकी सारे ऑप्शन है उसका क्या सही क्वेश्चन रहा होगा या फिर हो सकता है, वो भी आपको जज करना है। इससे आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस 100% हो जाएगी, सही सही सीक्वेंस के साथ, सही सिलेबस के साथ, है ना। चलिए, नाउ नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुनाइट। द फिलोसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज रिलेटेड टू रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ह्यूमैनिज्म और आइडियलिज्म। तो इनमें से कौन सा हो सकता है? द फिलोसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन किसके साथ रिलेट करती है? कमॉन, और इसका सही आंसर देना सबको जरूरी है। आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या है? यस, साम्या सिंह बी, साम्या सिंह बी, संपा, सुतापा, बिंदु, ये सौरभ, संजना, बिल्कुल सही है, प्रदीप, बिल्कुल सही है, दीपिका, है ना, शिल्पा, तो संजय रावत, तो ऑल आर एग्री विद दिस सी बी। संजना इज सेइंग सी, संजय 20 का बी, बिल्कुल सही है, तो सौरभ दास इज सेइंग डी। ओके, देखो आइडियलिज्म तो नहीं है, आइडियलिज्म नहीं है, ओके, आइडियलिज्म भी नहीं है, ह्यूमैनिज्म भी नहीं है, ओके, रियलिज्म भी नहीं है, इसका सही आंसर है प्रैग्मेटिज्म। ओके, तो प्रैग्मेटिज्म है। बाकी कुछ बुक्स में एक्लेक्टिक बिहेवियर भी दिया होता है, एक्लेक्टिक नेचर, एक्लेक्टिक, सॉरी, एक्लेक्टिक फिलोसफी। ओहो, स्पेलिंग गलत होगी, एक सेकेंड। ओके, तो एक्लेक्टिक फिलोसफी करके भी दिया हुआ है, और एक्लेक्टिक फिलोसफी अगर आंसर आता है तो ये होता है जनरल। अगर सिंपल एजुकेशन की बात की जाएगी तो इसका सही आंसर एक्लेक्टिक अप्रोच आ सकता है, बट अगर फिजिकल एजुकेशन की बात की जाएगी तो प्रैग्मेटिज्म इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारा यस वे ऑफ विक्ट्री, यस अनुराधा, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है बी। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन होंगे। मुझे पता है आज का लेवल काफी इजी था, लेकिन मुझे इस क्लास के थ्रू आप लोगों को एक ही चीज समझानी थी, एक ही चीज बतानी थी कि ये क्वेश्चंस में जो मिस्टेक्स हो जाती हैं वो हमारे कई बार इजी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो चाहे इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, आपको हर एक चीज को कवर करना है। प्रैक्टिस के टाइम पर जो क्वेश्चन के आंसर्स आपके मिस हो गए तो क्यों हो गए वो देखना है, प्लस अगर एक आंसर सही हो गया तो बाकी के क्या ऑप्शंस हैं, बाकी के क्या मीनिंग है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इससे आपकी पूरी अच्छे से प्रिपरेशन होती जाएगी। तो आज की ट्यूजडे की क्लास हमारी खत्म हो जाती है। अगर आपको क्लास पसंद आई, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हर एक यूट्यूबर बोलता है, तो मुझे भी बोलना अच्छा लगता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम अ यूट्यूबर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस आपके पास रेगुलरली मिलते रहे और आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले, राइट। उसके बाद अगली जो हमारी क्लास होगी वो रहेगी थर्सडे को, सेम टाइम 6:30, और इसके एमसीक्यूज की पीडीएफ, सिलेबस की पीडीएफ आपको आज ग्रुप में लिंक दिया हुआ है वहां पे मिल जाएगी, ज्वाइन हो जाइए, डोंट फॉरगेट एंड स्टडी वेल। उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर अगर कुछ भी पूछना है, कुछ भी आपको लगता है कि मैम मुझे आपसे पर्सनल बात करनी है, तो वहां पे नंबर दिया हुआ है, वीडियो के लास्ट में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, हम लोग दो महीने साथ में हैं, और यही ट्राई मैं करूंगी ताकि ये जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू रहे हमारी, ठीक है। चलिए, मिलते हैं थर्सडे को, थैंक यू सो मच फॉर